नमस्कार, मैं अनामिका बिहारी न्यूज से। चलिए जानते हैं बिहार के 25 खबरों के बारे में। बिहटा में जेडीयू के 4 पंचायतों के चुनाव हुए संपन्न। बिहार के जनता दल यूनाइटेड के चल रहे पंचायत चुनाव में प्रखंड के 4 पंचायतों में चुनाव संपन्न हो गए हैं, जबकि तकनीकी कारणों से पैनाल पंचायत में चुनाव नहीं कराया जा सका। बिहार महागठबंधन में फिर से हुई तकरार। बिहार महागठबंधन में एक बार फिर पार्टियों के बीच में तकरार शुरू हो गई है। हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर अगले साल यह गठबंधन सत्ता हासिल करता है तो वह भी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, जिसके बाद अब आरजेडी और हम आमने सामने आ गए हैं। कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर एक बार फिर कसा तंज। छात्र संघ अध्यक्ष से नेता बने कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे देश प्रेमी हैं तो सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करना आपका धर्म है, क्योंकि देश देश के लोगों से बनता है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पहले राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू, मायावती और शरद पवार प्रधानमंत्री बनने की कामना कर रहे थे, उसी तरह बिहार में कुछ लोगों में मुख्यमंत्री बनने की कामना जाग गई है। महिला आयोग पहुंची अनंत सिंह की पत्नी। अदालत ने अनंत सिंह को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस बाबत अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अपनी गुहार लेकर महिला आयोग पहुंची। नीलम देवी ने महिला आयोग से अपने पति को न्याय दिलाने की मांग की। शत्रुघ्न सिन्हा का भाजपा मोह। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का भाजपा मोह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सिन्हा लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि मेरा पालन पोषण भाजपा ने किया है और मैंने अपने जीवन के 30 साल भाजपा को दिए हैं, तो लगाव हमेशा ही रहेगा। बिहार में दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला। बीपीएससी ने दारोगा सर्जेंट और अधीक्षक की भर्ती परीक्षा के लिए अहम फैसला लिया है। पहली बार इन परीक्षाओं के दौरान केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे, मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेंगे और शिक्षकों को भी सेंटर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हुई खत्म। अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म होगी। अब फीस बढ़ाने से 3 महीने पहले स्कूलों को इसकी जानकारी मैसेज भेजकर और नोटिस बोर्ड के द्वारा अभिभावकों को देनी होगी। इसमें प्रवेश शुल्क के साथ मासिक शुल्क भी शामिल होगा। नृपेंद्र मिश्रा ने दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। सरकार के प्रधान प्रवक्ता सितांशु कार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मिश्रा से 2 हफ्ते तक के पद पर रहने को कहा है। सभी यात्री ट्रेनों को किया जाएगा ईएमयू में परिवर्तित। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने कहा कि 2020 तक सभी यात्री ट्रेनों को ईएमयू में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगले मानसून से पहले पहल ही कोसी ब्रिज से रेल का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। आरजेडी के मनोज झा का केंद्र सरकार पर तंज। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कश्मीर मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब भारत में नेहरू, बापू और लोहिया नहीं रहे। झारखंड विधानसभा को लेकर आरजेडी ने कमर कसी। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारे में सुगबुगाहट तेज हो गई है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा कि वह 2014 की गलती नहीं दोहराएंगे, चुनावी मैदान में महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे। बिहार पालिक मुख्यालय ने पुलिस पदाधिकारियों का किया तबादला। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इंस्पेक्टर से एएसआई तक के 131 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए कई बैंकों के विलय का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक के विलय का ऐलान कर दिया है, जिसके पश्चात पीएनबी देश का दूसरा बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा। बिरला कॉलोनी में भाजपा सदस्यता अभियान पहुंचे रामकृपाल यादव। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने पटना के बिरला कॉलोनी में भाजपा के सदस्यता अभियान में शिरकत हुए और अपने हाथों से दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आपने की बैठक।
प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी ने पूरे राज्य के जिला अध्यक्षों और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि बिहार में सदस्यता अभियान को और मजबूत बनाया जाएगा। सीबीएसई प्राइवेट छात्र 30 सितंबर तक भरेंगे परीक्षा फॉर्म। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं 2020 के लिए प्राइवेट छात्रों की परीक्षा फॉर्म भरने की डेट जारी कर दी है। फॉर्म सीबीएसई की वेबसाइट पर 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। मेट्रो लोगों में बुद्ध, गोलघर और सभ्यता द्वार। पटना के मेट्रो लोगों को लेकर काम कर रहे पीएमआरसी के अधिकारियों ने चार तरह के लोगो बनवाकर नगर विकास और आवास विभाग के अलावा अधिकारियों के पास भेजा है। इसमें एक लोगो में मेट्रो रेल के पीछे बुद्ध की फोटो, दूसरे में मेट्रो रेल के पीछे गोलघर की फोटो और तीसरे में मेट्रो रेल के पीछे शहर में नए बने सभ्यता द्वार की फोटो बनाई गई है। पटना जंक्शन पर शुरू की गई कुल्हड़ चाय। पटना जंक्शन अब बिहारी यात्री के साथ पर्यटकों को भी कुल्हड़ की चाय का आनंद मिलेगा। साथ ही साथ यह जल्द ही पूर्व मध्य रेलवे के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी यह सुविधा उपलब्ध की जाएगी। आपको बता दें कि पटना जंक्शन पर एक बड़े वातानुकूलित वेटिंग हॉल का भी निर्माण किया जा रहा है। विधायक वीरेंची नारायण ने हटिया पटना एक्सप्रेस को बक्सर तक परिचालित करने की मांग की। विधायक वीरेंची नारायण ने बोकारो स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ ही हटिया पटना एक्सप्रेस का परिचालन बक्सर तक करने की मांग की। इस अवसर पर पूर्व मध्य रेल की उपलब्धियों और लक्ष्य के संबंध में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सचिव सह उप महाप्रबंधक आलोक कुमार झा ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। मनोज झा ने कहा, सरकार कर रही कानून का गलत इस्तेमाल। मनोज झा ने बाढ़ के एसपी लिपि सिंह पर कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि का गाड़ी का प्रयोग करना गलत है, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार कानून को खत्म करने का इतिहास लिख रही है, बीजेपी को देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन बनाकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। युवा राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने झारखंड की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीते चुनाव की गलती नहीं दोहराई जाएगी। खेल और राजनीतिक दुनिया के बाद फिर से फिल्मों में वापसी। ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने कहा है कि अब अगले साल वो फिल्मी दुनिया में फिर से वापस कदम रखने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के इंतजार के बाद वे खुद के गाँव में हॉस्टल के साथ बॉक्सिंग अकेडमी बनवाएंगे। जियो टीवी उपलब्ध कराएगा सभी चैनल। जियो फाइबर कॉमर्शियली की रोल आउट 5 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें जियो ने ब्रॉडबैंड के टीवी सेवा में भी एंट्री कर चुकी है। आपको बता दें कि जियो सेटअप बॉक्स के उपभोक्ताओं को अलग से डीटीएच लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसके तहत लोकल केबल ऑपरेटर्स के जरिए सभी टीवी चैनल्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। जानते हैं आज के मौसम के बारे में। औरंगाबाद, छपरा, गया और मुजफ्फरपुर में सामान्य बादल छाए रहेंगे, साथ ही धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। भागलपुर, फारबिसगंज, मधुबनी, मोतिहारी, पूर्णिया और सुपौल में सामान्य बादल छाए रहेंगे, गरज और आंधी के साथ बारिश होने की भी संभावना है। साथ ही नालंदा, पटना और राजगीर जिले में सुबह से दोपहर तक बादल छाए रहेंगे और शाम में गरज के साथ बारिश हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।